मैं दो चीज़ें बताना चाहता हूँ एम एक्सप्लोर टू कॉलर से रिलेटेड। अपना जो डिफ़ॉल्ट SMS ऐप है उसको यहाँ पे जाके तुम्हें मालूम है कैसे करते हैं, ऐप्स में जाके उसको हमेशा जो है ना मैनेज ऐप्स में जाने के बाद, डिफ़ॉल्ट ऐप्स में जाने के बाद उसको हमेशा मैसेजिंग ऐप को ट्रू कॉलर रखना है। इससे क्या फ़ायदा होगा कि हम दोनों ही ऐप से मैसेजेस कर सकते हैं, ट्रू कॉलर से मैसेजेस कर सकते हैं और मैसेजिंग ऐप से भी मैसेज कर सकते हैं। पर अगर हमने डिफ़ॉल्ट SMS को मैसेजिंग कर दिया यानी याला ऐप को हमने डिफ़ॉल्ट SMS कर दिया तो उससे प्रॉब्लम क्या होगी कि हम ट्रू कॉलर से मैसेज नहीं कर पाएंगे फिर, है ना, ये एक इशू हो जाता है। पर अगर मैं डिफ़ॉल्ट SMS ऐप जो है ट्रू कॉलर को रख के रखा है तो हम दोनों से SMS कर पाएंगे, ये एक फ़ायदा होता है। ठीक है, और ट्रू कॉलर में काफ़ी सारे फीचर्स हैं, शेड्यूल्ड SMS वगैरह सब उसमें भी है। और उसमें एक बहुत शानदार ऑप्शन है जो कि नॉर्मल SMS ऐप में नहीं है, वो है अंडू का ऑप्शन। जैसे मैंने मैसेज भेजा तो कुछ सेकंड्स मुझे मिलते हैं उस मैसेज को वापस लेने के लिए, तो अंडू का ऑप्शन होता है वहाँ पे जो कि नॉर्मल SMS ऐप में नहीं होता है। एक चीज़ तो ये, दूसरी चीज़ ये कि MX प्लेयर की सेटिंग्स कैसे करनी है, मैं तुम्हें बता देता हूँ। MX प्लेयर को तुम्हें हाई प्रायोरिटी पर रखना पड़ेगा सो दैट हम लॉक स्क्रीन पर वो सबसे ऊपर हो, है ना। अगर वो लॉक स्क्रीन पर नीचे हुआ तो जब नोटिफिकेशन आएंगे तो हम उसमें उसको आगे पीछे नहीं कर पाएंगे, मतलब एक प्रॉब्लम होती है, मैं तुम्हें बताता हूँ। जैसे ये नोटिफिकेशन में पैनल में अभी मान लो सबसे यहाँ पे नीचे है, एक सेकेंड, कचरा डालेंगे, काम प्रवृत्ति को कई वर्षों तक पूरी तरह नियंत्रित रखने में समाज एवं मन वचन कर्म पूर्ण ब्रह्मचर्य अपने निर्देशों का पालन करना में बहुत आनंद आता है। संसारी लोग पूर्ण ब्रह्मचारी को उसकी देह में जो आनंद मिलता है, फॉर एग्जाम्पल अब तुम ये देख रहे हो कि मैं इसको ऐसे करके जो है आगे पीछे कर सकता हूँ, राइट, यहाँ पे और यहाँ पे प्रेस करके। अगर नोटिफिकेशन अगर बहुत सारे आ जाएंगे तो ये मुश्किल हो जाता है, क्या ये मुश्किल हो जाता है, नहीं, हम ऐसे करके भी कर सकते हैं, मतलब अगर वो हम इसको यहाँ से अगर ऐसे करना चाहें तो हम कर सकते हैं, तब भी हम कर सकते हैं एक्चुअली, मतलब पर यहाँ पे केस में करने में ना आसान होता है, यहाँ पे सीधे सीधे कर सकते हैं। अगर ये बहुत नीचे चला जाएगा तो फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाती है, इसलिए जो है इसको हमें दूसरे नोटिफिकेशन से हाई प्रायोरिटी पे रखना होगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी सेटिंग में कैसे सेटिंग करनी होगी वो बता देता हूँ। पहली बात तो इसको तुम लॉक रखो, है ना, लॉक ही ऑलरेडी लॉक है। और दूसरी बात, इसकी सेटिंग्स कैसे होनी चाहिए, बाकी सब तो ठीक है। यहाँ पे नोटिफिकेशन में जाके इसको फ्लोटिंग नोटिफिकेशन को ऑफ कर देना है, बाकी ये सेटिंग होगी अलाउ साउंड अलाउ वाइब्रेशन ये सब बंद कर देना है, डाउनलोड प्लेबैक में इसको हाई कर देना है और साउंड को नन कर देना है और लॉक स्क्रीन पे ऑन रहने देना है। तो इस तरह की तुम्हें सेटिंग करनी होगी तभी ये अच्छे से चल पाएगा, है ना, तुम लॉक स्क्रीन पे भी इसको अच्छे से कंट्रोल कर पाओगे। बस ये बताना था, टेक केयर, बाय।